मैं आपको तथ्यों के साथ दिखाना चाहूंगा कि उन डायरेक्शंस के बारे में उनको बाकायदा यूओ नोट भेजे गए, मीटिंग्स के मिनट्स भेजे गए, बाकायदा एक्शन आइटम्स भेजे गए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। एक एक स्पेसिफिक चीज भेजी गई, आपको ये सारी कार्रवाई करनी है। उसके ऊपर अभी तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और उसके बाद कई बार ये लेटर भी भेजा गया है कि आपको जो डायरेक्शंस दी गई थी उस पे जो आपने एक्शन किया उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट दीजिए, ये आपके सामने है। इसका भी जवाब अभी तक जो है हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने नहीं दिया है। इसके अंदर एक और अच्छी बात है, मार्च में मैं जब हेल्थ सेक्रेटरी बना, मार्च में ही एक मीटिंग करके 21 मार्च 2023 को ये कहा गया टू एक्सपीडाइट द ऑडिट ऑफ ऑल द परचेजेस ड्रग्स कंज्यूमेबल्स एंड इक्विपमेंट्स मेड बाय द हॉस्पिटल्स एंड डीजीएचएस ऑन देयर ओन एज डिसाइडेड इन द मीटिंग ऑन 21/3/2023। 21 मार्च की मीटिंग में हमने कहा कि ये सारी जो दवाइयां और कंज्यूमेबल हैं इसकी एक ऑडिट कराई जाए और इसको एक्सपीडाइट किया जाए। इसकी ऑडिट की डायरेक्शंस को भी हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी तक नहीं माना है। अब बात आती है कि वो जो दवाइयां हैं वो खरीदी कैसी जाती हैं अस्पतालों के अंदर। दिल्ली के अस्पतालों में और मुझे लगता है कि लगभग सभी राज्यों के अस्पतालों के अंदर जो प्रोक्योरमेंट होती है वो एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी द्वारा की जाती है, जिसको सीपीए कहा जाता है, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी। दिल्ली सरकार के अंदर दशकों से सीपीए जो है दवाइयों की प्रोक्योरमेंट करता है और इस सीपीए को जो हेड करते हैं वो होते हैं डीजीएचएस और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विभाग की होती है वो होती है हेल्थ सेक्रेटरी की, जो कि है मिस्टर एसबी दीपक कुमार। अगर इस मामले के अंदर कोई धांधली हुई है, नकली दवाइयां आई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो सरकार जो केंद्र सरकार जिसके पास पावर है इन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने की, वो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? भाई आपको पता चल गया भ्रष्टाचार है, आपको पता चल गया सैंपल फेल हो गए हैं, आपको पता चल गया ये अधिकारी जिम्मेदार है, इसकी ये जवाबदेही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?